एंड वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। होप आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिया है, उसमें से जो जो टॉपिक हमने पढ़ लिया है, किसके बारे में पढ़ा है मैं बता देता हूँ। प्लांट किंगडम ख़त्म हो चुका है, ब्लड से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है, हर्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो भी ख़त्म हो गया है, और ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक था जो भी ख़त्म हो चुका है। आप इसका नोट्स बनाकर ज़रूर रखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है ये नोट्स, काफ़ी काम आएगा एग्ज़ाम के पहले। तो आज हम लोग एक दिन, कल मैं नहीं आ पाया आपके सामने, तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसे कि प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, अब हम लोग आज पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक में लोगों को प्रॉब्लम आती है, और इस वजह से मैं इस टॉपिक को थोड़ा इस तरह से बताने का कोशिश किया हूँ, टेबल के फॉर्म में, या फिर ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें और उसके बाद आप इसको इजीली इसका नोट्स बना सके। और जो भी एग्ज़ाम में मात्र पूछा जाता मैं वही बता रहा हूँ, जो कुछ ज़्यादा हाई नहीं बताऊँगा कि आपको ये लगे कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए आज मैं जो आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके सामने, वो कौन सा चैप्टर है, वो चैप्टर है एनिमल किंगडम। तो पहले हम लोग देखते हैं एनिमल किंगडम क्या है। एनिमल किंगडम यानी कि जो एनिमल का जो स्टडी होता है उसको हम लोग बोलते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर आता है। जैसे टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होता है, स्टडी अबाउट एनिमल किंगडम के बारे में जो पढ़ाई होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें बोला जाता है, कार्लस लिनियस को बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में ये, आप थोड़ा इसको गौर कीजिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा तो ये इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। और इन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचर, यानी सिस्टमा नेचर करके एक बुक जो था वो कार्लस लिनियस के द्वारा लिखा गया था। इन्होंने क्या किया था कि दो, इन्होंने जो एनिमल किंगडम है उसको दो में डिवाइड किया था। इसको क्या किया था, दो किंगडम में क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने, दो किंगडम यानी कि टू किंगडम का क्लासिफिकेशन किन के द्वारा दिया गया था, ये कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था। ये याद रखिएगा कि कितना किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो है किसके किसके द्वारा दिया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ देगा आपसे कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किन के द्वारा दिया गया था, और भी जो क्लासिफिकेशन है उनका नाम पूछ करके, और पूछेगा किसने दिया था। तो ये कार्लस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें से दो किंगडम कौन कौन था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। सिंपल इन्होंने बता दिया क्या कि दो तरह का किंगडम है, एक पौधा वाला है और एक एनिमल है यानी एक जानवर वाला है। लेकिन अब थोड़ा सा जब आगे बढ़ा ये सिस्टम, तो एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था, उनका नाम था एर्नेस्ट हैकल। एर्नेस्ट हैकल, इन्होंने क्या बोला कि नहीं 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 किंग, ये जो एनिमल किंगडम है ये तीन इस क्लासिफिकेशन, इसका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा आया, तो ये हो गया प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और इसमें एक ऐड कर दिया गया प्रोटिस्टा। क्या किया गया, पहले तो क्या था, पहले में जो कार्लस लिनियस में था दो था, उसमें से प्लांट और एनिमल था, लेकिन इसमें क्या हुआ, प्लांट एनिमल तो है ही है, उसके साथ साथ एक प्रोटिस्टा को भी ऐड कर दिया गया। अब उसके बाद और आगे जब इम्प्रूवमेंट हुआ, तो इम्प्रूवमेंट हुआ तो फिर क्या आया, इम्प्रूवमेंट हुआ तो उसके बाद आए एक सबसे अभी तक जो एक्सेप्टेबल है, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल यही किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब जो भी एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है इसमें से सबसे जो बेस्ट माना गया है, इसी को माना गया है। किसको माना गया है, आर एच विटकर जो थे साइंटिस्ट, उनके नाम वो दिए थे। इन्होंने क्या दिया था कि जो एनिमल किंगडम है इसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था। तो इसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन था, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगेई, प्लांटिया, एनिमलिया। यानी कि इसमें क्या किया, प्लांटिया एनिमलिया ये दो तो हो गया, उसके बाद प्रोटिस्टा तो ऑलरेडी एर्नेस्ट हैकल में दे दिया था, उसके बाद अब दो चीज़ कौन कौन ऐड हुआ, ये इसमें मोनेरा ऐड हुआ और फंगे ऐड हुआ, ये दो ऐड होकर के क्या हो गया, पांच हो गया, यानी कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, जो कि अभी तक सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का यही है, आर एच विटकर के द्वारा जो दिया गया है। तो ये हमेशा पूछा जाता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किन के द्वारा दिया गया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किन के द्वारा दिया गया, टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन किन के द्वारा दिया गया। तो आपने देख लिया होगा कि जो मैंने बता दिया दो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उनके बारे में बता दिया कि कौन दिए थे उन्होंने, कार्लस लिनियस ने दिया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एर्नेस्ट हैकल ने दिया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर एच विटकर ने दिया था। तो अब मैं एक छोटा सा एक टॉपिक लाता हूँ जो एनिमल किंगडम को पढ़ने से पहले पूरा, मतलब जो डिटेल को पढ़ने से पहले उसके बारे में आपको जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो टर्म कभी कभी बीच में यूज़ होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा मैं उसे, जो होता है ना टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह से न्यूट्रिशन जो होता है, जो जानवर कैसे न्यूट्रिशन लेता है, वो किस फॉर्म के में लेता है न्यूट्रिशन, उसके बारे में मैं थोड़ा आज डिस्कस करता हूँ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में आपको क्या करेगा कि डिफिनेशन दे देगा और पूछ देगा कि कौन सा है। जैसे कि देखिए, ऑटोट्रॉप्स, हम लोग ने पहले एनिमल किंगडम में डिस्कस किया था ना कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स तो सिंपल है कि वो क्या होता है, जो अपना जो फूड होता है खुद बनाता है, यानी कि जैसे कि प्लांट हो गया, जो ट्री हो गया, ये सब क्या है कि अपना जो फूड है खुद बनाता है बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो हम लोग ने प्लांट किंगडम में पढ़ा था। तो यही है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खुद से कैपेबल हो, क्या हो, खुद से कैपेबल हो अपना खाना बनाने में, अपना खाना यानी कि खाना बनाने में या फिर प्रोड्यूस करने में खुद से कैपेबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप बोलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो जानते हैं ट्री ही है, ट्री टाइप का, जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो है, ठीक है ना। जैसे कि एल्गी एल्गी में भी होता है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो हाइड्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, हाइड्रोट्रॉप्स के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ा था, तो हाइड्रोट्रॉप्स के बारे में बताते हैं। इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है ऑटोट्रॉप्स का, यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या होगा कि दूसरे पर डिपेंडेंट होगा खाने के लिए। जैसे कि कोई भी प्लांट या एनिमल, कोई भी प्लांट और एनिमल जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो एनर्जी प्राप्त करने के लिए और न्यूट्रिएंट, यानी कि जब भी हम कुछ खाएंगे तो उसे न्यूट्रिएंट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी मिलता कैसे है, कोई दूसरे चीज़ पर डिपेंडेंट हो और उससे वो एनर्जी प्राप्त करे या फिर न्यूट्रिएंट प्राप्त करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स, यानी कि खुद ये अपना खाना नहीं बनाता, ये बाय द हेल्प ऑफ किसी, जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बींग, हम लोग क्या पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। क्या, अगर प्लांट में जो फ्रूट्स होते हैं उस फ्रूट्स को हम लोग खाते हैं, तो क्या हुआ, प्लांट ने तो अपना खाना बना लिया और बना करके वो फ्रूट्स तैयार कर दिया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसके फ्रूट्स को खा लिया। तो क्या किया, मैं हम लोगों ने उस फ्रूट्स को तो खा लिया, लेकिन हम लोगों ने वो फ्रूट्स को खुद नहीं बनाया ना, वो तो प्लांट बनाया था, तो यानी कि किसी दूसरा का बनाया हुआ खाना हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। ये हेटरोट्रॉप्स हो गया। अब हम लोग बोलते हैं स्प्रेड, क्या है स्पायरोट्रॉप्स। ये स्पायरोट्रॉप्स क्या होता है, ये क्या होता है कि कोई भी सड़ा हुआ चीज़, कोई भी सड़ा मटेरियल हो, यानी कि गला सड़ा मटेरियल जो भी हो, वो चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सड़ा उड़ा वो डिकेइंग मटेरियल हो, उस पर क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फीड करता है, यानी उसका पे खाना जा करके खाना शुरू कर देता है। जैसे कि मान लो कि कहीं पे आप कोई भी चीज़ को रख दो और उसको 1 महीने तक छोड़ दो, वो सड़ जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म उस पर ऑर्गेनिज्म जो लग जाएगा, छोटे छोटे माइक्रोस्कोप यानी ऑर्गेनिज्म लग जाएगा उसको, हम उसके थ्रू जो वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड उसे मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पायरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये तीन चीज़ आप समझ रहे होगे अलग अलग तरीके से है सब, ये नोट डाउन कीजिएगा, बहुत पूछ कभी बताया नहीं, कोई बताता नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा, तो आप अगर आपको पता होगा तो आप इजली बता दोगे। अब देखिए क्या है, पैरासिटिज्म, यानी कि पैरासाइट, जो पैरासिटिज्म जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें हुआ क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान ली कि एक ऑर्गेनिज्म ए है और एक है बी, दो ऑर्गेनिज्म, जो भी दो ऑर्गेनिज्म है, क्या होगा, एक क्या करेगा, ये ए जो है बी पे को होस्ट बना करके उसके अंदर का जो भी चीज़ उसके पास न्यूट्रिशियस चीज़ होगा वो उसको क्या कर लेगा, वो ले लेगा। तो क्या करेगा, ये ए को तो फायदा हो गया, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव दिखा दिए, इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव दिखा दिया और इसको नेगेटिव दिखा दिया। इसमें क्या हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, एक को बहुत ही घाटा हो रहा है, यानी कि एक को घाटा हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, यानी यहाँ पर ए जो ऑर्गेनिज्म है उसको फायदा हो रहा है, बी को घाटा हो रहा है, इसलिए माइनस मैंने दिया है और इसको प्लस दिया है। तो इसमें क्या होगा कि एक को फायदा होगा और एक को घाटा होगा, क्योंकि ये हो इसका जो होस्ट में जाकर के उसका न्यूट्रिएंट को चुरा लेगा और ये हष्ट पुष्ट हो जाएगा, लेकिन ये तो बेचारा कमजोर पड़ जाएगा। इसमें वही बोल रहा है कि एन ऑर्गेनिज्म लीव्स ऑन अदर होस्ट, यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाकर के उसके होस्ट पे ही होस्ट पे अटैक करे और उसका खाना जो उसका जो होस्ट है उसका खाना वो क्या करे, वो उसको आराम से खा करके और उसको क्या करे, हानि पहुंचा दे और वो अपने आप को फ़ायदा पहुंचा दे। नहीं, यहाँ पर जो ए और बी ऑर्गेनिज्म है, इसमें ए जो ऑर्गेनिज्म उसको फ़ायदा हो रहा है और बी को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, यानी बी ये जो है होस्ट हो गया और ए हो गया जो कि ऑर्गेनिज्म वो खा लेगा उसका फूड, ठीक है ना। हो गया, ये पैरासिटिज्म के अंदर आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉमनलिज्म, ये कॉमनेसलिज्म है। ये कॉमनेसलिज्म में क्या होता है कि इसमें क्या होगा ना कि जैसे दो ऑर्गेनिज्म आप देख दिख रहा होगा आपको, देखिए अच्छे से, हाँ देखिए, ए एक मान लीजिए कि एक स्पेसीज है ऑर्गेनिज्म, या एक दो स्पेसीज बोल रहा है क्या, दो मान लीजिए दो स्पेसीज है ए और बी ऑर्गेनिज्म, या दो स्पेसीज है, तो इसमें क्या होगा, एक को बेनिफिट होगा और एक को क्या होगा, ना ही बेनिफिट होगा ना ही हानि होगा, यानी कि इसमें एक को बेनिफिट हो रहा है, इसमें जो बी कोई एक दूसरा जो है उसको ना ही उसको हानि हो रहा है, ना ही उसको हानि हो रहा है, ना ही उसको फायदा हो रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनसलिज्म बोलते हैं। जैसे रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ अ टू स्पीसीज, दो स्पीसीज का जो ये रिलेशन होता है, और एक स्पीसीज वन स्पीसीज ऑब्टेन फूड, एक स्पीसीज क्या करता है दूसरे स्पीसीज से क्या होता है, फूड ले लेता है और उससे बेनिफिट ले लेता है, यानी कि फ़ायदा ले लेता है फ्रॉम अदर, उससे फ़ायदा ले लेता है, लेकिन क्या होता है, दूसरे को क्या होता है, ना ही उसको हानि होता है ना ही उसको फ़ायदा होता है,
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक को अगर फ़ायदा हो जाए, अगर दूसरा को फ़ायदा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस तरह से अगर जैसे कि मान लीजिए आप अपने ऑफिस जा रहे हो, कोई भी इंसान अगर ऑफिस जा रहा है तो बीच में कोई मिल जाता है, तो उसे आप लिफ्ट दे रहे हो, तो क्या हो गया, आप तो जा रहे हो, उसको लिफ्ट ले लिया तो उसको क्या हुआ, आपको कोई घाटा नहीं हुआ, लेकिन उसको फ़ायदा हो गया कि नहीं हो गया। तो वही चीज़ इसमें होता है, ये सिर्फ वही चीज़ है बिल्कुल जो कम्युनलिज्म में होता है। एक को फ़ायदा होता है, एक को ना ही फ़ायदा होता है ना घाटा होता है। अब हम लोग बोलेंगे म्यूचुअलिज्म क्या है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म क्या होता है जो हम लोग देखने जा रहे हैं, म्यूचुअलिज्म क्या होता है। म्यूचुअलिज्म क्या है कि इसमें दोनों को फ़ायदा होगा, क्या होगा, एक को भी फ़ायदा होगा, दो को, यानी कि दोनों म्यूचुअली, मतलब बोलते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड, यानी कि एक दूसरे को फ़ायदा होगा, इसको भी फायदा, ए को फ़ायदा, और अगर ए से पूछ लेगा बी, बी से, तो बी को भी फ़ायदा होगा, बी से ए लेगा, तो दोनों को फ़ायदा है, यानी कि इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों को इसमें मस्त है दोनों एक दूसरे से। जैसे म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, ये इंट्रैक्शन बिटवीन, यानी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर इंट्रैक्शन हो रहा ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म है और डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज, यानी ए और बी स्पेसीज है, और दोनों को क्या है, बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, यानी दोनों एक दूसरे से बेनिफिट कर रहा है, नन ऑफ द कैपेबल ऑफ लिविंग सेपरेटली, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं रहेगा, दोनों साथ में रहेगा हमेशा, क्या होगा, ए और बी साथ में अटैच्ड रहेगा और दूसरे को, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए माइक्रोराइजा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है माइक्रोराइजा, जिम्नोस्पर्म, जो हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ते थे, इसमें बोल रहे थे कि एक में होता है ये नेकेड सीड होता है, नेकेड सीड वाला जो ऑर्गेनिक, उसमें क्या होता है माइक्रोराइजा उसके जो रूट से ना क्या होता है कनेक्टेड होता है, और रूट को क्या करता है वो प्रोवाइड करता है फॉस्फोरस, जो कि उस प्लांट को हेल्प करता है, तो हेल्प कर दिया, क्या किया ये माइक्रोजा, क्या नहीं, माइक्रोजा जो है उसके रूट्स को क्या फ़ायदा दिया, फॉस्फोरस उसको प्रोवाइड किया, जो कि उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा, और जिम्नोस्पर्म ये माइक्रोजा को क्या प्रोवाइड किया, उसको शेल्टर प्रोवाइड कर दिया, यानी एक दूसरे से को फ़ायदा पहुंचा दिया। उसी तरह से लाइकन वाला भी हम लोग पढ़े थे ना उस चैप्टर में, लाइकन और एल्गी, जो लाइकन जो होता है उसमें जो एल्गी और फंगी दोनों एक दूसरे को फ़ायदा उठा बनाते हैं, उससे हम लोग भी बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दोनों हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा और जो बचा हुआ है उसके बारे में है, दो है, एक है कंपटीशन और एक है एनेसलिज्म। क्या है कंपटीशन, और एक एक मिनट स्लाइड को थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, वेट कीजिए। देखिए क्या है कंपटीशन और एक है एनेसलिज्म। कंपटीशन में क्या होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और स्पेसीज, जो उसमें क्या होता है दोनों को घाटा होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना म्यूचुअलिज्म में दोनों में से दोनों को फ़ायदा होता है, कंपटीशन में क्या होता है दोनों को घाटा होता है। अगर ए ऑर्गेनिज्म या स्पेसिस है, बी अगर ये इसको घाटा करेगा तो बी भी ए को घाटा करेगा, यानी कि दोनों को क्या हो रहा है म्यूचुअलिज्म तरीके से, वो जिस तरह म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा था दोनों को फ़ायदा हो रहा था, यहाँ पर कंपटीशन में क्या हो रहा है दोनों को घाटा हो रहा है, ए को भी घाटा हो रहा है बी से, या बी को भी ए से घाटा हो रहा है। या फिर लास्ट क्या है एनेलिज्म, ये क्या होता है, इसमें इसमें क्या होगा, जस्ट इसमें एक को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और एक को घाटा होगा, यानी कि एक में हो रहा था ना कि उसमें एक को फ़ायदा हो रहा था, एक को कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब उसको ना हार्म हो रहा था ना हानि हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है अलग है। इसमें ऑर्गेनिज्म डज नॉट अलाउ अदर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो ऑन लिव ऑन नियर इट। अगर जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक प्लांट है, ठीक है, एक कोई एक प्लांट है, मान लीजिए प्लांट है, तो जो हम लोग बोलते हैं ना बीट्स, बीट्स बीट्स उसको क्या करेगा, ग्रो नहीं करने के लिए देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बीट्स को कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है घाटा हो रहा है, लेकिन जो प्लांट है उसको क्या हो जा रहा है घाटा हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ये प्लांट की तरह बिहेव कर दिया और ये बीट की तरह बिहेव कर दिया, प्लांट को तो घाटा हो गया लेकिन बीट को ना ही फ़ायदा हुआ ना ही हानि हुआ, बस इसको प्लांट को बर्बाद कर दिया। तो ये एनालिज्म के अंदर आता है। तो आज हम लोग ने आज जो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कितना तरह का न्यूट्रिशन होता है, हम लोगों ने तो आज डिस्कस कर लिया, लेकिन अब इसको थोड़ा हम कल वाले चैप्टर में हम जब पढ़ाएंगे, जो इसका जो आर एच विक्टर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमलिया के बारे में हम लोगों ने आज जो बताया, उसको हम लोग कल अच्छे से डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे, और जो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में आज बताया वही हेल्प आपको करेगा उसको समझने में, क्योंकि वो टर्म कहीं कहीं पर यूज़ होगा, और वो टर्म यूज़ होगा तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हमने आज इस वीडियो में बस आपको यही इंट्रोडक्शन टाइप से बता दिया कि क्या क्या होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफिनेशन दे करके पूछ लेगा कि एनालिज्म क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, उसके बाद आपको कम्युनलिज्म क्या होता है, ये सब, और उसके बाद आपको म्यूचुअलिज्म क्या होता है,
हेटरोटाइपा हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, स्पेरोट्रॉप्स क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, ये सब पूछ सकता है। तो आज जो हमने बताया है उसका आप नोट डाउन जरूर करिएगा, उसका नोट जरूर बनाइएगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। और